नोटबंदी पर देश भर में दर्ज मुकदमों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब इस मामले को कोर्ट ने 5 जजों की बेंच को सौंप दिया है और विभिन्न हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। यहां सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने पुराने नोटों को आवश्यक सेवाओं में चलन की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से सरकार पर छोड़ते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को संवेदनशीलता से इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार के लिए बुरी खबर यह है कि सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए नोटबंदी मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। कोर्ट ने 8 सवाल तैयार किए हैं जिन पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। कुछ सवालों की बात करें तो इनमें पूछा गया है कि क्या नोटबंदी का फैसला RBI एक्ट 26 का उल्लंघन है, नोटबंदी के 8 नवंबर और उसके बाद के नोटिफिकेशन असंवैधानिक हैं, नोटबंदी संविधान के दिए समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और व्यापार करने की आज़ादी अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं इसमें पूछा गया है कि नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू किया गया है, जबकि ना तो नई करेंसी का सही इंतजाम था और ना ही देश भर में कैश पहुँचाने का। बैंकों और ATM से पैसा निकलवाने की सीमा तय करना अधिकारों का हनन है। इनमें पूछा गया है कि जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए रुपए निकालने पर रोक सही नहीं है और पूछा गया है कि क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। तो ये तमाम प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किए हैं जिनकी समीक्षा संवैधानिक पीठ करेगी। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र के लिए जहां राहत है तो थोड़ी आफत भी। देखते रहिए DP Live।